अमीर देवरानी और गरीब विधवा जेठानी का बंटवारा। देखो जी, मेरी बात सुनो ध्यान से। तुम्हारी माँ का कुछ पता नहीं है कब टपक जाए इस दुनिया से। मैं तो कहती हूँ जितनी जल्दी हो सके उनके जाने से पहले बंटवारा करवा ही दो। अंजना, चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन माँ इस बात के लिए नहीं मानेगी। अरे अरे, क्यों नहीं मानेंगी? एक काम करते हैं, हम प्रॉपर्टी के पेपर पर धोखे से अंगूठा लगवा लेते हैं, जिससे कि सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी और तुम्हारे फकीर भाई को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। देखो, अमित तो भोला भाला है, लेकिन उसकी पत्नी पढ़ी लिखी है। गरीब बेशक है, लेकिन समझदार बहुत है। अगर उसने हमें पकड़ लिया तो? डरते क्यों हो? एक काम करते हैं, आज रात का प्लान बनाते हैं। पेपरों के ऊपर तुम्हारी माँ के अंगूठे के निशान ले लेंगे, उन्हें पहले बेहोशी की दवाई देंगे और जैसे ही पेपर पर अंगूठे के निशान आ जाएंगे, उन्हें थोड़ा सा जहर देकर मार देंगे। वैसे भी बुढ़िया और कितना जिएगी। रविंदर पैसों का बहुत लालची था। वो पहले ही अमीर था और उसे पैसों का और भी ज्यादा लालच था। उसे पैसों के आगे अपनी माँ भी नजर नहीं आती, जिसके चलते वो अपनी पत्नी अंजना के साथ मिलकर रात के समय अपनी माँ के कमरे में जाता है और उनके सोते हुए अंगूठे के निशान लेता है, जिसके बाद अंजना जहर की शीशी उर्मिला के मुंह में डालने वाली होती है। आज तो बुढ़िया तेरा खेल खत्म ही हो जाएगा, तुझे मुझसे आज कोई नहीं बचा सकता। अंजना के एक हाथ में जहर की शीशी होती है तो वहीं दूसरी तरफ वो अपने हाथ से उर्मिला के सोते हुए का फायदा उठाकर उसका मुंह खोलकर जहर उसमें डालने ही वाली होती है कि तभी एक जोरदार चीख के साथ उर्मिला की नींद खुल जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जहर नहीं पीऊंगी, हट जाओ मेरे पास से। उर्मिला के चीखने चिल्लाने की वजह से उसका बेटा और उसकी छोटी बहू नींद से जाग जाती हैं। क्या हुआ माँ जी, आप अचानक से इतनी जोर से क्यों चिल्लाई हो? माँ, कहीं आपने कोई बुरा सपना तो नहीं देखा है? सब कुछ ठीक है ना? क्या हुआ है, आप मुझे बताती क्यों नहीं हो? हाँ, मैंने एक बहुत भयानक सपना देखा। सपने में तेरी भाभी मुझे जहर पिला रही थी ताकि वह सारी जमीन खुद हड़प सके। अरे माँ, आप भी कैसी बातें कर रही हो? मेरे राम सीता जैसे भैया भाभी, उनके बारे में आप कितना बुरा सपना देख रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे भैया और भाभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। नहीं बेटा, तू किसी को नहीं समझ सकता, तू बहुत भोला है, तू तो सबके प्यार प्रेम में यूं ही रह जाता है। देख, मेरे जीते जी इस घर का बंटवारा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। माँ जी, बंटवारा करने की क्या जरूरत है, हम सभी पूरा परिवार एक साथ ही रहेंगे इस घर में। सोनम और अमित उर्मिला को किसी तरह शांत करवाने के बाद उसे सुला देते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सोनम की अमीर जेठानी तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है। सोनम, सोनम, कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ पर आओ। अरे देखो जरा, तुमने भी तो कुछ भी नहीं बनाया है, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए नाश्ता लगाओ। अभी लगाती हूँ जेठानी जी, आप इतने में टेबल पर बैठ जाइए। तभी टेबल पर आकर सभी लोग बैठ जाते हैं और अमित भी आकर बैठ जाता है। उसे देखकर अंजना नाक चढ़ा लेती है। हे भगवान जी, इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? भाभी जी, मैं अभी खेत जोत कर आया हूँ, मुझ में से ये बदबू आ रही होगी, बहुत जोरों से भूख लगी है तो इसलिए नाश्ते की टेबल पर ही बैठ गया। So disgusting, इस घर में किसी को भी कोई मैनर्स ही नहीं है। अंजना बिना कुछ खाए पिए ही वहाँ से निकलने लगती है। उसके हाथों में कुछ पेपर होते हैं, जिन्हें देखकर उर्मिला उससे कहती है, अरे बहू, ये तेरे हाथों में पेपर किस चीज के हैं, जरा दिखा तो सही। अंजना ये सुनते ही थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन वो अपनी सास से कहती है, आप तो वैसे भी पढ़ी लिखी नहीं हो और मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं आपके पास बैठकर ये पेपर आपको दिखाऊं। मुझे अभी जाने में देरी हो रही है, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। अंजना ऐसा कहकर पेपर लेकर निकल जाती है, जिसके चलते उर्मिला को शक होने लगता है। दाल में कुछ ना कुछ तो काला है और इस बात का पता तो मुझे लगाना ही होगा, नहीं तो एक दिन मेरे छोटे बेटे को कुछ भी नहीं मिलेगा। उर्मिला ऐसा सोचकर उस दिन के बाद से अंजना के ऊपर नजर रखना शुरू कर देती है। देखते ही देखते एक दिन उर्मिला चोरी छुपे अंजना के कमरे में जाती है और वहाँ से कुछ पेपर चुरा कर अपनी छोटी बहू के पास ले आती है। जरा देख तो सही बहू, इन पेपरों में क्या लिखा है। सोनम उन पेपरों को अच्छे से पढ़ती है, जिसके बाद, अरे ये क्या माँ जी, ये तो प्रॉपर्टी के पेपर हैं और सारी प्रॉपर्टी का वारिस सिर्फ और सिर्फ जेठ जी ही है। इसका मतलब मेरा सपना सच होने वाला था, अच्छा हुआ कि मुझे ये पेपर हाथ लग गए, आज इन दोनों की खैर नहीं। शाम को जैसे ही अंजना और उसका पति रविंद्र घर पर वापस आते हैं, उर्मिला उन दोनों से कहती है,
तुम दोनों ने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, मैंने कभी ये सब सोचा भी नहीं था। अरे बड़ी बहू, तेरे पास तो पैसों की कोई कमी तक नहीं है, फिर तू ऐसा कैसे सोच सकती है। उर्मिला अपनी बड़ी बहू के मुंह पर सारी पेपर फेंक कर मारती है, जिसके बाद अंजना जैसे ही पेपर उठाकर पढ़ती है वो कुछ कह नहीं पाती। जब आपके सामने हमारी पूरी सच्चाई खुल ही गई है तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ही ये पेपर बनवाए थे। लेकिन बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? तू तो जानता है ना, तेरा छोटा भाई अमित, उसके पास कुछ भी नहीं है। सारी प्रॉपर्टी तो मेरे पति की ही होनी चाहिए, क्योंकि इस घर को चलाने में सारा हाथ तो उनका ही है। इस घर का लेखा जोखा, खाना पीना सब मेरे पति करते हैं। आखिर ये फटीचर करता ही क्या है, सिर्फ सारा दिन तुम्हारे पास ही पड़ा रहता है। माँ जी, छोटा बेटा गरीब है, दो वक्त की रोटी कमा लेता है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह लालची तो नहीं है। तुम तो कब से मेरा इंतजार देख रही हो कि आज बुढ़िया मरे और कल उसका खटोला मिले। इंतजार देख देख कर तो ये समय हो गया, लेकिन तू बुढ़िया मरती ही तो नहीं है। तभी वहाँ पर वकील आ जाता है। वकील को देखते ही उर्मिला वकील से कहती है, वकील साहब, जो पेपर मैंने आपसे मंगवाए थे, क्या आप वो लेकर आए हो? हाँ हाँ, बेशक लेकर आया हूँ। आपने मंगाई है तो लाना तो पड़ेगा ही, और वसीयत से लेकर प्रॉपर्टी के अंदर दोनों भाइयों का बंटवारा पूरी तरह हो चुका है। अच्छा हुआ जो आप सही समय पर पेपर बना कर ले आए। आज मैं अपने मन के डर को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हूँ, ताकि दुनिया को छोड़ने के बाद मेरी आत्मा यहाँ वहाँ भटके नहीं। उर्मिला वकील से दो पेपर लेती है और उन दोनों पेपरों पर अपना अंगूठा लगा लेती है। उसके बाद एक पेपर अपने बड़े बेटे और अमीर बहू को दे देती है। दूसरी तरफ दूसरा पेपर वो अपने गरीब बेटे और गरीब बहू को पकड़ा देती है। अब से तुम दोनों का आधा आधा हिस्सा हो गया है, जितना तुम्हारे पास है उतना ही अमित के पास है। उर्मिला के इस फैसले से अंजना बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वो अपना मुंह सड़ा लेती है, जिसके बाद वो कुछ ईंट लेकर आती है और घर का भी बंटवारा कर देती है। आज से इस वाले हिस्से में हम रहेंगे और इसके दूसरे वाले हिस्से में मेरी प्यारी देवरानी, जो कि बिल्कुल फकीर है और इस घर को जरा भी डिस्टर्ब नहीं करती, वो दूसरी तरफ रहेंगी। ऐसा कहकर अंजना वहां से चली जाती है, लेकिन उसके जाते ही उसे कॉल आता है, जिसके चलते उसे ये पता चलता है कि उसकी इंटरनेशनल कंपनी में आग लग गई है और अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ उर्मिला अपने कुछ छुपाए हुए सोने के गहने सोनम को दे देती है, जिससे वो अपने एक नए काम की शुरुआत करती हैं और अपने जीवन में अच्छा खासा कमाने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो जैसा बोता है वैसा ही पाता है। गंगा के दो बेटे थे, बड़ा बेटा विनोद और छोटा बेटा अनिकेत। विनोद और लक्ष्मी की शादी को 7 साल हो गए थे। इसके बावजूद भी लक्ष्मी अब तक माँ नहीं बन पाई थी, इसलिए उसकी सास गंगा उसे हर छोटी बड़ी बात पर बांझ होने का ताना देती रहती थी। लक्ष्मी बहू, अरे ओ लक्ष्मी बहू, अरे ओ बांझन कहाँ मर गई? गंगा की चिल्लाहट सुनकर लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी उसके पास आ जाती है। जी माँ जी, बुलाया? क्यूरी मेरी बांझिन बहू, तुझे समझाया था ना, इन फूल और कली को मत छूना। देख कैसे सारी कली खिलने से पहले ही मुरझा गई। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने अपने हीरे जैसे बेटे को तुझ जैसी बांझ के पल्ले बांध दिया। अरे मेरे घर के तो भाग्य ही फूट गए। गंगा के ताने सुनकर लक्ष्मी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि ये सच को सुनना लक्ष्मी के लिए जहर निगलने जैसा था। मगर इस बात को झुठलाया भी नहीं जा सकता था, लक्ष्मी कभी माँ नहीं बन सकती थी। इस बात ने लक्ष्मी को इस कदर लाचार बना दिया था कि वो चुपचाप अपने सास के अत्याचार सहती रहती थी। पूरे घर में उसे समझने वाला और उसका दर्द बांटने वाला कोई था तो उसका देवर अनिकेत। लक्ष्मी भाभी, आखिर किस मिट्टी की बनी हो आप? क्या आपको माँ की बातों का बुरा नहीं लगता? जाने दीजिए देवर जी, ऊपर वाले ने मेरे नसीब में कांटे ही लिखे हैं, इसे सहन तो करना पड़ेगा। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और फिर एक रोज अनिकेत मीरत के साथ शादी करके उसे घर ले आता है। जब ये बात गंगा को पता चलती है तो वो गुस्से में सारा घर सर पर उठा लेती है। राम राम राम, अरे निकेतन, तूने एक मुसलमानी से शादी कर ली? एक बार भी ये नहीं सोचा कि अब ये बात जात बिरादरी में जाएगी तो हमारी बरसों की बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी? अरे एक पल को तो तू लूली लंगड़ी लड़की से शादी करके घर ले आता तो भी मैं उसे खुशी से अपना लेती, मगर इस मुस्लिम लड़की को अपनाना मेरे लिए जहर निगलने जैसा है। मैं इसे मरते दम तक अपनी बहू नहीं मानूंगी। भैया बाबूजी, आप तो मेरी बात सुनिए। अब कहने सुनने को बच ही क्या गया है बेटे, तुझे जो करना था वो तो तूने कर ही लिया। चल विनोद,
इस तरह गंगा की तरह हरि और विनोद भी मीरब को ठुकरा कर कमरे में चले जाते हैं, मगर लक्ष्मी मीरब का स्वागत करती। कोई बात नहीं मीरब, तुम बाऊजी माजी के बातों का बुरा मत मानना, वो अभी गुस्से में है। आओ, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। शुक्रिया बाजी, आपने हमारा स्वागत किया, हमारे लिए ये भी काफी है। जहाँ परिवार के सभी लोग मीरब को उसके मुसलमान होने के कारण उसे नफरत की नजर से देखते, वहीं लक्ष्मी एक बड़ी बहन के जैसे मीरब के साथ घुल मिलकर रहती थी। जल्दी ही मीरब ने अपनी जेठानी लक्ष्मी से हिंदी हिसाब किताब से खाना बनाना सीख लिया और सभी के लिए खाना बनाया। सभी ने मीरब का बनाया खाना मन भर कर खाया। अम्मी जान, अब्बू जान, भाई जान, खाना कैसा बना है? अरे बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। हाँ मीरब बहू, वाकई तुमने खाना तो बहुत ही लजीज बनाया है, खा कर जो है दिल खुश हो गया। मीरब को हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से ढलता देखकर उसके ससुराल वाले भी उसकी ओर कदम बढ़ाते हैं। धीरे धीरे मीरब सभी के दिल में जगह बना लेती है और पूरा घर मीरब से घुल मिलकर रहने लगता है। ये देखकर मीरब अपनी जेठानी लक्ष्मी से कहती है, शुक्रिया बाजी, आज आपके साथ हमने रिश्तों की लड़ी जोड़ ली। मीरब, इसमें शुक्रिया कैसा, मेरे लिए तुम बिल्कुल मेरी छोटी बहन के जैसी हो। लक्ष्मी की बातें सुनकर मीरब का मन भर आता। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन मीरब किचन में खाना बना रही होती है, तभी वो चक्कर खाकर गिर जाती है। मीरब आंखें खोलो, माजी, अनिकेत, डॉक्टर को फोन लगाओ, पता नहीं मीरब को क्या हो गया है। थोड़ी देर में डॉक्टर आकर मीरब का चेकअप करके बताता है। डॉक्टर साहब, मेरी बहू ठीक तो है ना? ओ बधाई हो, आपकी बहू गर्भवती है। ये सुनकर गंगा फूली नहीं समाती और खुशी से उसकी आंखें भर आती है। मीरब बहू, तुझे पता नहीं है कि तूने इस घर को कितनी बड़ी खुशी से भरा है। जैसे ही लक्ष्मी मीरब को बधाई देने के लिए आगे आती है तो उसकी सास गंगा उसे रोकते हुए कहती है, अरे लक्ष्मी बहू, ये क्या कर रही है तू, पागल हो गई है क्या? क्या तुझे पता नहीं एक गर्भवती औरत पर बांझ का परछावा पड़ना अशुभ होता है, इसीलिए तू जितना हो सके छोटी बहू से उतना दूर ही रहना। ये सुनकर लक्ष्मी का कलेजा कचोट उठता है। तभी मीरब अपनी सास की बात काटते हुए कहती है, माफ करें अम्मी जान, मगर हम चाहते हैं कि बाजी हमें बधाई दे। नहीं मीरब, मेरी कोख तो सालों से सुनी है, मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण किसी भी तरह इस घर की खुशियां छिने, तुम आराम करो। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और कुछ दिन बाद रमजान के रोजे शुरू हो जाते हैं। तभी मीरब अपने ससुराल वालों के सामने रमजान के रोजे रखने की बात रखती है। अरे छोटी बहू, तेरे अंदर इस घर का वारिस पल रहा है, ऐसे में तेरा भूखे प्यासे रहकर रमजान के रोजे रखना सही नहीं है। हाँ मीरब बहू, अभी तुझे अपने और अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। अम्मी जान, अब्बू जान, हमसे बाजी की ये अधूरी जिंदगी देखी नहीं जाती, इसीलिए हम रमजान के रोजे रखना चाहते हैं, ताकि अल्लाह लक्ष्मी बाजी की खाली कोख भर दे, हमारे बच्चे की हिफाजत अल्लाह करेंगे। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ रमजान के रोजे रखूंगी मीरब, मगर अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे बच्चे के लिए रखूंगी। इस तरह जहां एक तरफ मीरब अपनी बांझ जेठानी की बुझी जिंदगी में बच्ची की रोशनी भरने के लिए रमजान के रोजे रखती है, वहीं लक्ष्मी मीरब के लिए रोजे रखकर अल्लाह के आगे सर झुकाती है। उनकी सास गंगा उनके लिए सुबह की शहरी और शाम की इफ्तारी की तैयारी करती है, क्योंकि उसे भी अपनी बहू की यकीन पर यकीन था। या अल्लाह, सुना है रमजान के पाक महीने में तुझसे जो मांगे तू वो देता है, हमारे उठे हाथ में हमारी बाजी की जिंदगी में बने बांझपन को मिटाकर उन्हें बच्चे की बरकत से भर दे। हे सच्चे बादशाह, मैं दुआ करती हूँ मीरब के बच्चे की हिफाजत करना और मेरी भी झोली में एक बच्चा डाल दे मेरे मौला। ऐसे ही एक एक दिन करके रमजान के कई दिन बीतते जाते हैं। दोनों देवरानी जेठानी सच्ची शिद्दत से खुद को ऊपर वाले के हवाले किए अपनी आस लगाए हुए थी और हर दिन उसके आगे आंसू बहा बहा कर बच्चों की दुआ मांगा करती थी। रमजान के उस रोज जैसे लक्ष्मी और मीरब की दुआ कबूल हो गई। जब लक्ष्मी इफ्तारी खाने बैठी थी तभी उसे उल्टी आती है और वो तेजी से बाथरूम की तरफ भागती है, जहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। या अल्लाह, अम्मी जान, बाजी बेहोश हो गई है, डॉक्टर को बुलाए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर लक्ष्मी का चेकअप करके बोलते हैं, ओ बधाई हो, आपकी बड़ी बहू भी माँ बनने वाली है, इट्स मिरेकल, अनबिलीवेबल, मैंने इनके कितने बार टेस्ट किए थे मगर इनमें माँ बनने की काबिलियत नहीं थी, पर ये कैसे हुआ? हकीम साहब, वो जो आसमान में बैठा है वो हकीम का हकीम है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। देखिए अम्मी जान, रमजान की बरकत अल्लाह के घर से सीधे हमारे घर की और बाजी के सूने कोक पर उतरी है। बधाई हो बाजी, आप अम्मी बनने वाली है।
ये सुनकर लक्ष्मी खुशी से भर गई, क्योंकि सालों बाद उसका टूटा बिखरा सपना सच होता दिखाई दे रहा था। माँ जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। देखो विनोद, तुम पिता बनने वाले हो। मैं बांझ नहीं रही माँ जी। उस खुदा की बरकत इस रमजान पर मेरे अंधेरे जीवन में रोशनी बनकर आई है। हाँ बहू, ऊपर वाले ने मुझे एक साथ दो बड़ी खुशियाँ दी है। अब हम साथ साथ मिलकर ईद की खुशियाँ बांटेंगे। इसके बाद पूरा परिवार मीरब के साथ मिलकर रमजान की खुशियाँ मनाता है। एक वक्त में लक्ष्मी के जिस चेहरे पर फीकापन और लाचारी घिरी रहती थी, आज वो खुशी से चमक उठा था। ये खुशी लक्ष्मी और मीरब के रमजान के रोजे में की गई गिड़गिड़ाहट और बहाए गए आंसुओं का ही फल था, जो बच्चे की बड़ी बरकत उनके घर चलकर आई थी। साथियों, इंसान चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, ये बड़ी बात नहीं है, बल्कि जहां इंसान के मन में एक दूसरे के लिए भलाई की सोच हो, वो बड़ी बात है, क्योंकि असली धर्म इंसानियत को बांटता नहीं है, बल्कि जोड़ना जानता है। विशाखा देवी अपनी दो बहुओं शमिता और रजनी के साथ रहती थी। दोनों ही बहुएं बहुत गोरी और खूबसूरत थीं। हाय हाय, मैं बारी जाऊं। क्या हुआ भाभी? मैं खुद को कितना ही आईने में क्यों ना निहार लूं, मेरा तो मन ही नहीं भरता है खुद को देखते देखते। तभी वहां पर विशाखा देवी आ गईं। अरे ज्यादा आईना मत निहारा करो, कहीं तुम्हें अपनी ही नजर न लग जाए। मम्मी जी, आप फिक्र मत करो, हमारी नजर भी हमारी ही तरह खूबसूरत है। अब ज्यादा बातें मत बनाओ, मैं तुमसे कुछ कहने आई थी। जी। तुम दोनों इस घर की बड़ी बहुएं हो, तो इस नाते तुम्हारा फर्ज है कि तुम दोनों अपने देवर के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढो, जो तुम्हारी ही तरह खूबसूरत और घरेलू हो। ओके, ये काम तो आप पूरी तरह हम पर छोड़ दीजिए। विशाखा कमरे से चली गई। भाभी जी, आपने क्यों कहा कि हम दोनों लड़कियां ढूंढेंगे? चे, मैंने कुछ सोच कर ही बोला है। मतलब? अरे तुम बहुत ही भोली हो रजनी, बस देखती जाओ कि मेरा क्या प्लान है। शमिता ने रजनी को कुछ नहीं बताया और दोनों जिठानियां अपने देवर के लिए लड़की ढूंढने लगी। कुछ ही दिनों में शमिता ने गांव की एक लड़की पूनम को पसंद किया और उसे जाकर अपनी सास को दिखाया। तो बहू, ये लड़की है तेरी पसंद, लेकिन ये तुझे कहां से पसंद आ रही है? जरा इसका रंग तो देख, कोयला भी शर्मा जाए। माँ, इसका रंग नहीं, इसका मन देखो, ये लड़की हमारे बड़े काम की साबित होगी। काम की साबित होगी? मेरा मतलब, ये बहुत घरेलू है, तो ये देवर जी के लिए अच्छी रहेगी। शमिता ने किसी तरह अपनी सास को राजी कर लिया, लेकिन रजनी उसकी सारी चालाकी समझ रही थी। विशाखा देवी के जाने के बाद रजनी बोली, भाभी मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, आप उतनी ही सीधी हो जितनी की जलेबी। आपके दिमाग में जरूर कुछ तो खोट बिगाड़ चल ही रहा है, वरना चांदनी को अमावस्या पसंद आ जाए, ऐसा कभी हो सकता है? तुम भी कुछ कम चलाक नहीं हो। हाँ, मुझे पूनम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इस घर में अब एक काली बहू ही आएगी। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों की जगह कोई और आकर ले। इसी तरह समय बीत गया और पूनम विशाखा देवी की छोटी बहू बनकर घर आ गई। ए पूनम, आज तूने सफाई नहीं की है क्या? मम्मी जी, मैं सारी सफाई कर चुकी हूँ। अच्छा, ये इतनी गंदगी को तो सफाई कह रही है तू? विशाखा पूनम को डांट ही रही थी कि तभी वहाँ उसकी दोनों बड़ी बहुएं शमिता और रजनी आ गईं। पूनम जाओ, जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ, जाओ अभी। अरे, अब क्या हमारा मुंह ही देखती रहोगी? माना कि हम लोग खूबसूरत हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी काली नजरों से हमें नजर लगा दो, समझी? दोनों बड़ी बहुएं अपनी सास के सामने इतना कुछ बोल गईं, लेकिन विशाखा देवी ने उफ भी नहीं की और बेचारी पूनम सभी की बातें सुनकर बस उदास होकर रह गई। ऐसे ही समय बीत रहा था। दोनों जिठानियां गर्भवती हो चुकी थी और पूनम की जगह घर में बस एक नौकरानी की तरह ही थी। हाय मेरी बहुओ, तुम दोनों ही अपना अच्छे से ख्याल रखना। पता भी है तुम दोनों ने ही मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है, लेकिन इस खुशी को अच्छे से संभालना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ माँ, जरूर। अरे, मुझे तुम्हारी ही तरह सुंदर सुंदर पोती पोते चाहिए। तभी पूनम अपनी दोनों जिठानियों के लिए अचार लेकर आई। लीजिए भाभी जी, आपको अचार खाकर अच्छा लगेगा। इस कंडीशन में मेरी माँ कहती थी कि अचार खाना चाहिए। हाँ हाँ, यही रख दो। और हाँ सुनो,
यहाँ कोने में ना बहुत ज्यादा धूल और गंदगी हो रही है, तो तुम ना यहाँ से साफ भी कर देना। ठीक है भाभी। पूनम जैसे ही सफाई करने के लिए नीचे झुकी, तभी अचानक उसे जोर का चक्कर आ गया और वो वहीं गिर गई। हे भगवान, इस कल्लो को क्या हो गया? अरे उठ। ओ गॉड, अब इनके ड्रामे शुरू हो गए। घर में दो प्रेग्नेंट लेडीज हैं और इन्हें बेहोश होने से ही फुर्सत नहीं है। माँ, अब तो लगता है कि डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा। ये काली शायद ऐसे ही होश में नहीं आ पाएगी। हाँ। विशाखा देवी ने डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने आकर पूनम का चेकअप किया और बोला, अरे बधाई हो देवी जी, आप एक साथ तीन तीन बच्चों की दादी बनने वाली हो। मतलब पूनम भी बच्चे को जन्म देने वाली है? जी, हमारी मिठाई तैयार रखना देवी, हम आपके फैमिली डॉक्टर हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा अब मैं चलता हूँ, नमस्कार। डॉक्टर चला गया। जैसे ही दोनों जेठानियों को खबर लगी कि उनकी देवरानी भी अब उन्हीं की तरह गर्भवती है, तो वो दोनों बहुत गुस्सा हुई। अरे ये क्या बात हुई, बच्ची को तो जन्म हम दोनों देने वाले थे, ये कल्लो कहाँ से बीच में आ गई? आने दो, क्या हुआ अगर ये भी गर्भवती है तो? देखना, माँ ज्यादा प्यार हमारी बच्चों को देंगी। एक तरफ दोनों जेठानियों में ये बातें हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ, ए पूनम, तुझे अपनी जेठानियों की जरा भी परवाह नहीं है क्या? माँ मतलब? तेरी दोनों ही जेठानियाँ पेट से हैं और तू है कि उनका कोई ख्याल ही नहीं रखती है। पर माँ, उनकी ही तरह मैं भी गर्भ से ही हूँ। अरे चल चल, होली तू गर्भ से, और अगर है भी तो हम पर कौन सा एहसान कर रही है? तू भी काली है और तू देखना, तेरे गर्भ से पैदा होने वाला बच्चा भी काला ही होगा। मुझे तो ये काले काले बच्चे अच्छे लगते ही नहीं है। बस माँ बहुत हुआ, आपको मुझे कुछ भी बोलना हो बोलिए, लेकिन अगर आपने मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी गलत शब्द कहा तो अच्छा नहीं होगा। विशाखा और पूनम की आवाज सुनकर शमिता और रजनी भी वहाँ आ गईं। क्या अच्छा नहीं होगा और क्या गलत कह रही है माँ, सब ठीक ही तो कह रही है। और मुझे तो डर लगता है कि कहीं तुम्हारे इस बदसूरत चेहरे का परछावा हमारे बच्चों पर ना पड़ जाए। हाय, अगर ऐसा हुआ तो कितना बुरा होगा। सही कहा बहू तूने, तुम दोनों इस काली कलूटी से दूर ही रहा करो, चलो यहाँ से। तीनों सास और जेठानियां मिलकर पूनम को खूब सुनाकर वहां से चली गईं। बेचारी पूनम उन तीनों के आगे बेबस थी। इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे। पूनम को अपनी जेठानियों का भी ख्याल रखना होता और खुद का भी। अरे कल्लो, तू कहां से गर्भवती हो गई? ले चल, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जा जाकर अपनी दोनों भाभियों को ये इमली दे आ, उन्हें अच्छा लगेगा। पूनम अपनी जेठानियों को इमली देने के लिए उनके कमरे की तरफ जा रही थी। सामने से शमिता और रजनी भी आ रही थी कि तभी रजनी का पांव फिसल गया और वो शमिता को लेकर बस गिरने ही वाली थी कि तभी उन दोनों को पूनम ने संभाल लिया। संभल कर भाभी। पूनम ने उन दोनों को उठाया और संभाल कर बिठाया। खुद के बच्चों की जान बचाते देख शमिता और रजनी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वाह बहू, आज तो तूने काबिले तारीफ काम किया है। इनके गर्भ में पल रही नन्ही सी जानों का ख्याल रखना बस इनका ही नहीं हमारा भी फर्ज है। और तेरे भी पेट में नन्ही सी जान है, अब तू भी जाकर आराम कर ले। विशाखा ने पूनम की तरफ मुस्कुरा कर देखा। अब सब कुछ सही हो चुका था। दोनों जिधानियों को भी अपने किए पर बहुत पछतावा था। कुछ दिन बीते और तीनों ही बहुओं ने बहुत ही सुंदर सुंदर बच्चों को जन्म दिया। तुम्हारा शुक्रिया पूनम, तुम्हारी वजह से ही ये इस दुनिया में आ पाए हैं। कोई बात नहीं भाभी, हो सके तो हमारी बुरे शब्दों को माफ कर देना। अब हमारे बुरे शब्द तो वापस नहीं आ सकते, हम बस माफी ही मांग सकते हैं। आप ऐसे माफी मत मांगिए, ये वक्त माफी का नहीं खुशी मनाने का है। अब सब कुछ ठीक हो चुका था और सभी खुशी खुशी रहने लगे।